विविध नय कल्लोल विमला ब्रहज ज्ञानाम भोभिर जगति जनताम यास्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की देवादिदेव वश्यकारी श्री अदितनाथ जी भगवान की समस्त मुनि संघ की बोली चेतन चमत्कारी सर्व मनोकामना पूर्ण मुनि श्री एकसठ विनम्र सागर जी महाराज की मुनि संघ की। याद आता है मुझे जब हम लोग 2011 में छत्तीसगढ़ डोंगरगढ़ में चातुर्मास कर रहे थे। एक पावन प्रसंग है पूज्य गुरुवर के साथ घटित हुआ। ऐसे ही गुरुदेव की पूजन के पश्चात किसी बहन ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण में एक भजन बोल बैठी, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। बहुत मधुर कंठ था उस बहन का, भजन ऐसा मुग्ध होकर के वो गा रही थी, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, धुएं सा जीवन मौत है जलना है साधना। ये शब्द पूज्य गुरुवर ने बहुत गौर से पूरा का पूरा भजन सुन लिया, मुस्कुराते रहे पूज्य गुरुवर और पूरा का पूरा प्रवचन ही इस भजन के ऊपर पूज्य गुरुवर ने दिया। वह प्रसंग मुझे आज स्मृति में याद आता है, लेकिन आप लोग भूल गए होंगे क्योंकि 12 साल पुरानी बात हो गई, पुनः एक बार याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। जब ये पूरा का पूरा प्रवचन पूज्य गुरुवर ने, पूरा का पूरा भजन गुरुवर ने सुन लिया, सुनने के बाद कहते हैं कि बड़ा कठिन होता है कि पाने के बाद अपने आप को बदल लेना। बदलने का मौका मिला सिकंदर को। आचार्य भगवंत ने सिकंदर का उदाहरण देकर के बताया कि मृत्यु के अंतिम दिनों में यह वस्तु स्थिति स्पष्ट हो गई थी सिकंदर के पास कि अब आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों जीवन की इस धारा को टूट जाएगी और यहां से ऐसे ही जाना पड़ेगा। गुरुवर कहते हैं बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने मृत्यु के अंतिम समय में संवाद करने का मौका मिलता है। सिकंदर को अपने जनाजे से संवाद करने का मौका मिला। आसपास के जो लोग थे उन लोगों से सिकंदर ने कह दिया कि मैं जाऊं तो जाते वक्त मेरे दोनों हाथ मेरी उस कफन से बाहर निकाल देना। लोगों ने सिकंदर से कहा हमारे यहाँ ऐसी परंपराएं हैं नहीं, हम गए हुए व्यक्ति का कोई भी अंग बाहर दिखाते नहीं, पूरा ढांक करके ले जाते हैं, फिर आप की नई परंपरा क्यों शुरू कर रहे हैं। सिकंदर अपने मंत्रियों से कहता है कि बहुत मेहनत करने के बाद, खूब पुरुषार्थ करने के बाद भी मेरे हाथ पे कुछ आया नहीं, और जो मैं बदलना चाहता था अपने आप को, मैं अपने आप को बदल पाया नहीं। दुनिया के लोगों को, जितनी भी आवाम है, उस आवाम को इस बात की जानकारी हो कि पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, और मेरे खाली हाथ को देख करके दुनिया भर के लोग इस बात को जान पाएंगे कि जब इतना महान सिकंदर ही खाली हाथ चला गया, सबसे बड़ी बात ये नहीं थी कि वो खाली हाथ चला गया, सबसे सुंदरतम बात थी, गुरुदेव कहते हैं कि उसको इस बात का एहसास हो गया कि हम यहाँ से दुनिया से कुछ ले जा नहीं पाएंगे। ये एहसास हो जाना हमारे जीवन का सौंदर्य है।
कि हमें इस बात की धारणाओं में तो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन श्रद्धा में क्या बातें रहती हैं वो तो भगवान जाने। और जिंदगी श्रद्धा के भरोसे जी जाती है, और श्रद्धा हमारे जिंदगी पे है नहीं। आप लोग हमारी बातों को कहीं दूसरी तरफ मत ले जाना, लोग श्रद्धा की बात करें तो किसी और श्रद्धा पे चले जाते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं श्रद्धा महा परम दुर्लभ। आचार्य वीरसेन स्वामी ने अपनी पुस्तक में ये कोट किया है कि श्रद्धा परम दुर्लभ, परम दुर्लभ है श्रद्धा। अगर श्रद्धा दुर्लभ है तो सहज क्या है? सहज थी वो सिकंदर की जीवन शैली जो आपकी भी है। सिकंदर की जीवन शैली में एक बात बिल्कुल कॉमन सहज थी, हर चीज पर सिकंदर शंका करता था, हर चीज पर। हमको भी देखिए ना, घर के अंदर जिनके बीच पे रहते हैं, क्या उनके बीच में भी हमको शंका नहीं होती? जिस पत्नी को प्राण से प्यारी कहते हैं, बहुत चाहते हैं, क्या उन लोगों के उनके प्रति भी हमारे हृदय में पूरा विश्वास है? पत्नी को पति के ऊपर विश्वास है, आपको मिलकर के अपने बच्चे पे विश्वास है, श्रद्धा है क्या कि हमारा ही बच्चा है और हमारे लिए जिएगा, हमारे लिए करेगा? एक बार यहां पे हाथ रख करके बोलिएगा, विश्वास है महाराज, पत्नी पर पूरा विश्वास। भले हम बहुत प्रेम से अपनी पत्नी के साथ जीवन भर घर पे रहते हैं, लेकिन जब श्रद्धा की बात आती है, देवशास गुरु की छोड़िए, महान देवशास गुरु तो बहुत दूर की बात हो गए, अपने व्यवहारिक जीवन को संपन्न करने के लिए सिकंदर जितना शंकाशील था, उतने ही शंकाशील हम लोग भी हैं, उतने ही ज़्यादा शंका हमारे मानस पे भी पैदा होती है। हम घर के अंदर रह करके अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं करते, श्रद्धा नहीं है उसके शब्दों पे, अपने बच्चे पे भी उसके किसी शब्दों पे हम जीना पसंद नहीं करते, अपने पिता की बातों में भी हमको एक शंका पैदा होती है। आपको अपने परिवार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है, एक बार कागज पे डायरी पर उसका नाम लिखिएगा, भगवान देव शास गुरु प्रभु बहुत दूर खड़े हैं इस बातों में। हमारी जिंदगी सिकंदर के जैसी है बंधुओं, सिकंदर को किसी के ऊपर शंका, किसी के ऊपर विश्वास नहीं था। परम दुर्लभा श्रद्धा कैसी दुर्लभ है कि आचार्यों ने तो 12 भाग में लिखा है, दुर्लभ है निगोस से थावर अरु तस्गति पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। ये सब चीजें सरल हैं, सरल ना होती तो हमारे हाथ में ना होती। अब सोचिए ना, कोई दारूखोर है, कोई सिगरेट पीता है, कोई वैश्या गमन करता है और मनुष्य पर्याय पे है, तो ये बात तो सरल है कि मनुष्य पर्याय बहुत सरल हो गई। अब कठिन की बात क्या हो गई? कठिन बात हो गई श्रद्धा करना। क्या हमको श्रद्धा है अपने पिता के ऊपर? एक बार अंतर मन से पूछिएगा पहले बंधु हमारी बात को, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, धुएं सा जीवन मौत है जलना है साधना। शंकाशील जो व्यक्ति अपने घर के अंदर होता है, शंकालु व्यक्ति को घर के अंदर मिलता क्या है? क्या अच्छी नींद मिलती है? शंकाशील व्यक्ति घर के अंदर शांति से सो सकता है? शंकाशील व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है? शंकाशील व्यक्ति को क्या 24 घंटे भय नहीं सताता? सताता है, रात में सोते सोते भी शंका रहती है, अरे भैया एक बार आंख खोल देता है लघुशंका करके, रात में भी बाथरूम से बाहर निकलता है तो एक बार अलमारी में हाथ डाल के उसका लॉकअप चेक कर लेता है, खुला है कि बंद है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, रात में 2 बजे एक बार लॉकअप चेक करेंगे फिर सोएंगे, भैया लॉक है, और गलती से खुला निकला नहीं कि यहाँ पर उसी वक्त धक धुक धक धुक धक धुक, क्या अरे रात के अंधेरे में अलमारी खुली है, खोल के देखा ना, अरे हम गलती से भूल गए थे। रात में जब पत्नी ने कहा कि गलती से भूल गए थे, उसी वक्त पत्नी को क्या डांटते नहीं है, तुम तो हमारी पूरी जिंदगी लुटा दोगी। फिर क्या होता है? फिर वही बात जो सिकंदर के साथ था वो हमारे साथ, कि हमको हमारे परिवार के लोगों के ऊपर ही विश्वास नहीं है। सिकंदर ने कहा हाथ खोल के रखना मेरा बाहर, इसलिए कि सिकंदर को तो मौका मिल गया अपने जनादे से बात करने का, आपको जीवन में मौका मिलेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। दुनिया भर के जो लोग मेरी बात बहुत गौर से
चाहे वो आसाम में बैठी मेरी बहन सुनती है, चाहे गुवाहाटी में, चाहे मणिपुर में, मिजोरम में, और चाहे बैंकॉक में बैठा कोई मेरा भाई बैठता करके सुनता है, मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि श्रद्धा अपने परिवार के कौन से व्यक्ति के प्रति आपकी अकाट्य है, एक बार निश्चित करके घोषणा करिए। सिर्फ ये मत बोलिए कि अंदर है, मुंह से बताइए, मुझे मेरी पत्नी पर पूरा विश्वास है, मुझे मेरे पुत्र पर पूरा विश्वास है, मुझे मेरे पिता पर पूरा विश्वास है। आप एक भी व्यक्ति का नाम अपने मानस पटल पर लिख नहीं पाएंगे। आया मेरे पास एक व्यक्ति, कहता है महाराज परमात्मा से मेरे लिए प्रार्थना करो। किस बात की प्रार्थना करूं? कि बोले आपकी सुनते हैं अजितनाथ भगवान, आपकी सुनते हैं, आपके कहने से पूरी दुनिया में सबको सब मिलता है, आप मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं जिंदगी का एक दिन दुनिया में किसी भी व्यक्ति के ऊपर शंका किए बिना जी जाऊं। उसका ये जो भाव था वो भाव मुझे अंतर तक झकझोर गया कि बोले महाराज भगवान के ऊपर श्रद्धा होती है तो घर में जाता हूं तो पत्नी के ऊपर शंका हो जाती है, पत्नी को अच्छा मानता हूं तो पुत्र के ऊपर शंका हो जाती है, मेरा जीवन के 50, 60, 70, 80, 90 साल इसी बात पे निकल गए, मैं एक भी दिन निशंकित होकर के जी ना पाया। कितनी अफसोस की बात है कि हम 24 घंटे भगवान से हम दुनिया भर की चीजें मांगते हैं, भगवान से हम कहते हैं भगवान मुझे अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, लेकिन वही पुत्र के ऊपर श्रद्धा नहीं है, उसी पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं, जिस पुत्र के लिए मर रहे हैं 24 घंटा उसी बच्चे के ऊपर विश्वास है क्या? विश्वास होता तो चाबी पहली बार में उसके हाथ में सौंप दी जाती। बच्चा 35 साल 40 साल का हो गया, अरे महाराज उन्हें दे दें, जमाना खराब है। अच्छा घर के अंदर जमाना खराब है, हमारा बच्चा हमने दूध पिला के बड़ा किया, हम रोटी खिलाते, हमने उसकी शादी करी, हमारे साथ दुकान में बैठता है, महाराज जमाना खराब है, बच्चे को चाबी ना देंगे। विश्वास नाम की चीज घर के अंदर ही पौधा ना लगा, घर के बाहर कोई खाक उसका कोई फल देख पाएगा? अपने अंतर मन से कभी जीवन जीने में भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान एक दिन मुझे अपनी जिंदगी का ऐसा मिले जिस पर मैं सुबह से लेकर शाम तक किसी के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई शंका ना करूं। रिक्शा वाले के ऊपर साथ में बैठे, स्टेशन से निकले, अब उसके ऊपर शंका, पता नहीं गुंडा तो नहीं है, रास्ते में मर्डर तो नहीं कर देगा, चुरा तो नहीं लेगा। कितना कितना शंकाशील जीवन है हमारा, कितना शंकाशील। घर के अंदर गए, 5 मिनट तक पत्नी का चेहरा देखते रहे, जब पता नहीं क्या कर रही थी हमारे अब्सेंस में। अब पत्नी से फुर्सत हुए, बच्चा जैसे ही हम बैठे थे टीवी देख रहे थे, बच्चा घर के अंदर इंट्रेंस मारा, बच्चे की चाल ढाल कपड़े देख करके फिर शंका, पता नहीं साला कितना बर्बाद करके मेरा पैसा बर्बाद करके मुझे लुटाई देगा। होती है कि नहीं ऐसा? सिर हिलाओ थोड़ा सा, मुझे मेरी बात का समर्थन करो तो मुझे अच्छा लगे। हाँ महाराज होता है। दुकान में गए, नौकर के ऊपर शंका, 25 साल पुराना नौकर है, पूरी चाबी सौंप दी। अरे जब विश्वास नहीं था तो सुबह सुबह चाबी उसको सौंपी क्यों? अब चाबी सौंप दी, विश्वास नहीं था, उसे सीसीटीवी कैमरा लगाया, अब सीसीटीवी कैमरा प्रॉपर लोड कर रहा है, उस पर भी विश्वास ना हुआ तो रात में बैठ करके एक बार फास्ट करके रिकॉर्डिंग देख ली, किसी ने कुछ ही माल तो नहीं अंदर कर लिया। कितना शंकामय जीवन है संसार का, सोचिएगा आप। बंद किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, इस अविश्वास के साथ हमने जिंदगी के 20, 25, 30, 40, 50 से लेकर के 90 साल तक निकाल दिए। अभी भी हमारा एक दिन भी जीवन का ऐसा ना निकला। कभी कोशिश करिएगा कुछ बिना लिए निकलिएगा संसार में, कि आज सबसे ज्यादा मोह पैसे से है ना, खूब पैसा से मोह है, पैसा घर के अंदर छोड़ के निकलिएगा, लेकिन भगवान से प्रार्थना करिएगा दिन भर में जिससे भी मिलूं, भगवान एक दिन किसी के ऊपर भी शंका ना पैदा हो मुझे। महाराज की बातें सुन ली, बिल्कुल सही बात कहता हूं, मां जिनवाणी से जितना छनता है, छन करके मस्तिष्क पे जितना बैठता है, वो बैठ करके आपके सामने कहा उस पर भी शंका, का पता महाराज कह तो रहे हैं होते कि नहीं होए।
अब तुमको कौन, तुम्हारी स्थिति सिकंदर के जैसी हो गई कि पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, उसको तो समझ में आ गई, उसको समझ में आई, वो कह बैठा कि कल्याण मित्र मुनि से मिल करके सिकंदर इस बात को समझ बैठा कि सृष्टि से कुछ ले जा ना पाऊंगा, सब यहीं पर छोड़ करके जाऊंगा। सिकंदर ने कल्याण मित्र मुनि से कहा, जिसको आप कैलानोस के नाम से जानते हैं, यूनान ले गया उसको, पूछता है उससे कि जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य आपके जीवन का क्या है। वे मुनि महाराज कहते हैं, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है कि मैं पूरे दिन पूरी जिंदगी कभी किसी बात पे किसी की शंका नहीं करता। भले मैं ठग जाऊं, भले कोई मेरे पास भी, मेरे साथ भी होता है, मेरे पास लोग आते हैं अपना दर्द कहते हैं, कभी कोई लोग फ्रॉड भी आते हैं, लेकिन मैं शंका नहीं करता, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है तुम शंका करोगे तो तुम्हारी शक्तियां छीन हो जाएंगी। शंका हमारे जीवन में पूरी शक्तियों को छीन कर देता है। शंकालु श्रद्धालु व्यक्ति तो फिर भी आराम से चादर तान के सो सकता है। हमने तो महाराज से अपनी बात कह दी, अब महाराज जाने और अजितनाथ भगवान जाने, हम तो चादर ताने और सो गए, सारी जवाबदारी उनकी। शंकालु व्यक्ति आंख खोल के देखा, भैया माला फेरी, अब देवी प्रकट भाई की तब भाई, अब भाई की तब भाई, अब भाई की तब भाई, अरे भाई देवी काय को आने वाली तुम्हारे बारे में, डामाडोल की मिट्टी खराब है, तुम इतने डामाडोल हो, तुमको अपने परिवार में अपने पत्नी पे विश्वास नहीं, अपने पुत्र पे विश्वास नहीं, अरे स्वयं के ऊपर भी विश्वास नहीं, ये तो बहुत दूर की बात है, अपने मन के ऊपर भी विश्वास नहीं है, अपने स्वयं की बनाई गई नियंत्रण रेखाओं को आपने कितनी बार पार किया है आप खुद देख लीजिएगा। कितनी बार आपने संकल्प किया होगा आज के बाद ये पाप नहीं करेंगे, और फिर थोड़ा सा निमित्त मिला नहीं, फिर बहक गए। हमारी स्थिति ऐसी है, किसी ने समझाया तो समझ गए, किसी ने बहकाया तो बहक गए, किसी ने बोला कि भैया ऐसो कर वो पाप है तो हमने कह दी हाओ, और कोई ने कह दी कि भैया ऐसो करे से कछु नहीं हो तो हमने कह दी हाओ। हम सब में हमारी मुंडी ऐसी ऐसी हिलता ही रहे, हाँ भैया तुमने, एक ने कह दी कि भैया कलश ऐसे रखे से कछु नहीं हो, सो हमने मुंडी हिला दी, हाओ तुम सही कह रहे। फिर विनम सागर महाराज ने कह दी कलश रखोगे जीवन के भाव बदल जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी, तुमने कह दी हाओ, फिर मुंडी हिला दी, अरे तुम्हारी मुंडी तुम थोड़ी अपनी मर्जी से भी तो हिलाओ, खुद भी तो बोलो अपने ऊपर विश्वास है कि नहीं, अपने ऊपर भी शंका पैदा रहती है, पता नहीं हम क्या कर बैठे महाराज, हमारा भी कछु भरोसा नहीं है। अब ऐसा व्यक्ति जिंदगी में खूब पुण्य लेकर के आया हो, लेकिन अध्यात्म के अंदर के मस्तिष्क में शंका नाम की चीज बैठी हो, वो बेचारा पुण्य का उपयोग भी करेगा तो क्या करेगा। महाराज को धन दान दिया, अब फिर शंका, कहीं महाराज अपने घर ना ले जाएं, अरे बाई नहीं छुए हम तुम्हारा पैसा, बगल में ऑफिस रहे थे उतई जात, वे बड़े बड़े सेठिया लोग हैं बेई संभालत, लेकिन शंका कितनी खतरनाक चीज है। और सम्यक दर्शन में पहला चीज कही गई निशंकित पना, निशंकी निकंखी निबिदिगिंचा अमूल दिट्ठीय उपगुहन थिदिकर्णन बच्छल पहावणा चेदी। आचार्य कुंद कुंद भगवंत ने कहा कि सबसे पहला जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य विकसित करो कि शंका रहित जीवन जीने का प्रयास करो। अरे महाराज जीवन तो 50 साल का, हम वही तो कह रहे हैं 50 साल तो बहुत बड़ी बात हो गई, तुम अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक दिन ऐसा जी के दिखाओ कि हम सुबह से लेकर शाम तक किसी मानस किसी व्यक्ति किसी भाव किसी वस्तु के ऊपर कभी कोई शंका नहीं करेंगे। भोजन करते हैं, पत्नी ने रोटी बनाई है, उसके ऊपर भी शंका, का पता जो अचार आज को आए कि कल को, काहे कब को आए, दीदी आज ही बनाओ है, हमें लग तो नहीं रहा कि जो आज को ताजो आए। अब क्या करें, माता फोड़ लें, कैसे तुम्हें समझाएं। ये व्रती लोग होते हैं ना, इनको बड़ी शंका होती है, हमको खुद होती है, हम खुद चौके में जाते हैं, किसी ने थोड़ा सा बेसन का सेव दे दिया, थोड़ा सा सीझा सा क्या मिला, हम खुद से भी पूछ लेते हैं इशारे में, आज बना था कल बना था, क्योंकि वो 3 दिन तक चल जाता है लोगों के हिसाब से, तो जब वो देते हैं तो हमको भी शंका, हम खुद फंसे हुए इस दलदल पे।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमको हमारा अज्ञान समझ में आता है, आपको तो अपना अज्ञान भी समझ में नहीं आता। जीवन में जब कभी भी किसी भी परिवार को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज को, किसी भी आयतन को, किसी भी संघ को समृद्ध होना होगा, उसके लिए सबसे पहले आचार्य कुंदकुन भगवंत का वह गुण अपनाना पड़ेगा कि मैं अपने परिचित व्यक्तियों के बीच में निशंकित जीवन जीने की कोशिश और प्रयास करूंगा। हम लोग तो जीवन जी लेते हैं, हमारे निस्वार सागर जी महाराज ने कोई बात कही और हमने मान ली, हमको उनकी बात में कोई शंका नहीं है, कभी वेरिफिकेशन नहीं करता। क्यों नहीं करता? साधु परमेश जी ने बोला है, हमारा भाई है, हमारे गुरु ने बहुत सोच समझ के हमको दिया है, हमको विश्वास है। लेकिन हमको तो हमारे गुरु ने एक भाई दिया है, तुमने तो अपना बच्चा पैदा किया है, बचपन से उसकी हरकतों को जानते हो, उसके स्वभाव को जानते हो, उसको तुमने ट्रीट किया है, संभाला है, सुधारा है, उसके बाद भी अपने पुत्र पे शंका, अपनी पत्नी पे जो तुम्हारे लिए सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती है, तुम्हारे सो के उठने से पहले उठती है, चाय बनाती है, चौका साफ करती है, नहाती है, धोती है, पुरुषार्थ करती है, तुम्हारा पैसा सुरक्षित रखती है, तुम्हारी घर संपत्ति बढ़े, तुम्हारे कुल की वृद्धि हो, इसलिए तुम्हारे चक्कर में पुत्र प्रसव करती है, अपना सौंदर्य खोती है, अपने फटी बेमाई ना देख करके तुम लोग के घर के लोगों को संभालती है, उसके ऊपर भी शंका। महाराज आपको नहीं पता जमाना कितना तो खराब है, हमसे पूछो। क्या पूछो? तुम हमसे पूछो। जो लोग शंकालु व्यक्ति होकर के अपने घर के अंदर शंका करके जीवन जी रहे हैं, उनको उनकी शंका का रिजल्ट क्या मिला? रात में नींद नहीं आती महाराज, गोली खानी पड़ती है। वही बात तो मैं कह रहा हूं कि रात में जो गोली खा करके जीवन जीने का आपने शुरुआत कर ली है, एक बार एक दिन सुबह से लेकर शाम तक, सुबह आंख खोलना और हर बात पे विश्वास करके एक दिन जी के दिखाओ, बहुत बड़ी साधना होती है। सम्यक दर्शन ऐसे नहीं हो जाता है बंधुओं, सिर्फ देव शास्त्र गुरु के प्रति ही निशंकित पना हो ऐसा नहीं, अरे उसके पहले अपने परिवार के लोगों के प्रति भी निशंकित पना आप धर ना पाए, देव शास्त्र गुरु तो बहुत दूर की बात है, पराए दिखते हैं वो, जरा सी बात समझ में नहीं आई तो देव शास्त्र गुरु के सामने भी ऊंची ऊंची शब्दों में आदमी बात करके चला जाता है। जब हमारी माँ के लिए हमने शांति धारा करी, माँ मर गई, हम भगवान के सामने भगवान को कोस के चले आए, हम तुमको समझते थे तुम बहुत बड़े देवता हो, तुम संभाल लोगे, तुमने भी हमारी माँ नहीं संभाली, आज के बाद तुम्हारी चौखट नहीं आएंगे। भगवान को तो ऐसा सुना जा जाते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, गर न होते, हाइको है, गर न होते देवता पत्थर के लोग पीटते, गर न होते देवता पत्थर के लोग पीटते, इतनी श्रद्धा थी भगवान तुम्हारे ऊपर और तुमने हमारी मां को नहीं बचाया, तुमने हमारे पुत्र को नहीं बचाया, तुमने हमारे घर में पैसा नहीं लाया, अरे उसके लिए भगवान तक जाने की जरूरत नहीं थी, उसके लिए तो बिनम सागर महाराज ही काफी था तुम्हारी जिंदगी सुधारने के लिए। लेकिन हाइको कितना जबरदस्त है, कभी सोचिएगा, प्रतिमाएं से आप एक तरफा संवाद करते हैं, अगर प्रतिमा दो तरफा संवाद करती, सोचिए, कभी कल्पना करिए कि आप भगवान से कुछ कहते और भगवान भी आपसे उसका जवाब देते, तो जो स्थिति आज महाराजों की होती है वो स्थिति भगवान की हो जाती। गर न होते देवता पत्थर के लोग पीटते, क्यों पीटते? श्रद्धा नहीं है, अपेक्षा तो बहुत है भगवान से, देव से, गुरु से, सास से, पत्नी से, पुत्र से, पिता से, अपेक्षा तो बहुत है, सबसे सब चाहिए, लेकिन पाना नहीं, जीवन को बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है, ढलना जलना है साधना, थोड़ा जलना पड़ता है बंधु, सिर्फ धुआं उठता है अंदर से जो शंका का, वो शंका का कोई भी धुआं जिंदगी में कहीं पर भी उठता हो, सिर्फ आदमी का चेहरा काला करता है। 16 साल की उम्र में बेटी बहुत अच्छी दिखती थी, हमारा लड़का बहुत गोरा दिखता था महाराज, धीरे 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 पता नहीं क्या हुआ, पूरा रंग सांवला हो गया, शंका का धुआं मन के अंदर जब से उठना शुरू हुआ तब से हमारे चेहरे की रौनक धीरे 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 करके पूरी खत्म हो गई। कैसी खत्म हो गई?
कि आप 50 कॉस्मेटिक भी लगा लें तो भी उसके अंदर से कालिमा झांक करके बताती है हम कुछ और हैं और दिखते कुछ और हैं। हमारे जीवन की ये पॉलिसी हो गई है कि हम जितना करते नहीं हैं उससे ज्यादा का हम ढोल पीटते हैं। हम करते तो कम है, ढोल बड़ा वाला पीटते हैं, बजाओ रे। क्या हुआ, हमारी मौड़ी ने पर्युषण पर्व में उपवास करे हैं, अब क्या करो, ढोल बजाओ। महाराज ने पूछी कैसे करे हैं, महाराज पहली बार करे उपवास, दूध केला लेके करे। मताई हमारी जो थी वो 2 लीटर दूध की अच्छी रबड़ी बना देती, उसमें 4-6 केला डाल देती, बस ओई ओई से उपवास करे महाराज और कछु नहीं करे, ढोल बजाओ। काय का पर्युषण पर्व में हमारे मौड़ा ने उपवास करे, अरे निर्जल करके दिखाते, हम बजवाते तुम्हारे नाम से ढोल यहीं पर बंदा जी ऐसे क्षेत्र पे और पूरी दुनिया देखती। लेकिन वो देखा सीखी वाला धर्म, देखा सीखी वाली शक्ति, और पे भी शंका, अरे पुद्गल की शक्ति पे शंका करते हो, अरे महाराज प्यास नहीं लगती, प्यास लगती है तो कहीं ऐसा ना हो मर जाए, आंख दिखो बंद हो जाए, क्या करें भाई उसका उपाय। और गुरुदेव कहते हैं पुद्गल की शक्ति देखना है ना तो संलेखना के समय में देखना, वो अभी जवानी में कहते हैं भोजन नहीं छूटता, संलेखना के समय देखिएगा, वो 80-90-85 साल के जो वृद्ध होते हैं 12-12 दिन तक निर्जल उपवास पे बैठे रहते हैं, उसके बाद भी प्राण नहीं छूटता। लोगों के तो 28-28 दिन हो जाते हैं, 30-30, 32-32, 33 दिन हो जाते हैं शरीर से प्राण नहीं निकलता, 1 घंटा पानी नहीं मिले, हे भाई हमारा पूरा गलो सूख गया, ऐसा लग रहा तो अभी प्राण निकल गए, तो क्या करें धर्म भ्रष्ट। जब माँ जिनवाड़ी ने कहा था कि शाम को अंतव के बाद कुछ नहीं खाना कुछ नहीं पीना है, उसके बाद तुमने क्या किया, महाराज हमें तो डायबिटीज है और डायबिटीज में गोली ने खाओ तो रात में पता नहीं कितनी शुगर बढ़ जाए, 400-500 में मर जाए, सो हमें महाराज का बताएं गोली खानी पड़त है, गोली नहीं खाओ थोड़ी हमारी बोली खाओ, मरते हैं तो मर जाएं, सूर्यास्त के बाद हम भोजन नहीं करेंगे, हम गोली नहीं खाएंगे चाहे कुछ हो जाए। अरे मम्मी तुम समझती नहीं हो, तो महाराज के कहने में आ गई, तुम्हारे लड़का के कहवे में तो तुम्हारे नरक पक्को है लेकिन हमारे कहवे से तुम्हारा स्वर्ग पक्को है। लेकिन उसके बाद भी शंका, बड़ी विचित्र चीज, संसार की सबसे विचित्र चीज, हमने कभी भी एक भी दिन एक भी घंटा निशंकित होकर के नहीं जिया, और आचार्य भगवंत कह गए कि जिंदगी की नैया उसकी पार होगी जो निशंकित होकर के अपना पूरा जीवन जी जाएगा। जीवन जीने में और एक घंटा और एक दिन जीने में बहुत अंतर होता है। कुंदकुंद भगवान ने सम्यक दर्शन के जो 8 अंग कहे हैं उसमें सबसे पहला निशंकित अंग कहा है, देव के प्रति, शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति शंका रहित जीवन जीने वाला ही निशंकित अंग और सम्यक दृष्टि होता है। अपने अंतर मन में टटोलिएगा, क्या हम सम्यक दृष्टि हैं? आत्मा बोलती है अंदर से सम्यक दृष्टि हैं। ढोल तो बहुत बड़ा बड़ा पीटते हैं कि दुनिया में 2-3 है, हमें एक तो हम हैं ही। गुरु के वचनों में शंका, जबकि मां जिनवाड़ी कहती थी बेटा जिनवच में शंका न धार, उसने भी कहा उसके बाद भी शंका। अब इतना शंकाशील हृदय है, उस सिकंदर के जैसी जिंदगी है कि पुण्य के उदय से पुरुषार्थ के कारण घर के अंदर हर तरफ से सोना चांदी का नाला बह रहा है, घर के अंदर तिजोरी इतनी बड़ी है, उस बड़ी तिजोरी में कितने किलो सोना रखा है ये भी नहीं पता, लेकिन 24 घंटे हापा धापी शंका में निकल गई। महाराज हमें किसी के ऊपर विश्वास नहीं था, कक्का रात में अपने बिस्तरा पे मरे पाए गए, दूसरे दिन तिजोरी खोल के देखी तो सिर्फ 0.5 किलो चांदी धरी हती और उसके अलावा कछु ना मिलो, कक्का वही कमरा में सोते, अब बाक माल कहाँ गो, अब शंका। तो फिर छोटे मोड़ा ने घराई में चोरी को आरोप लगा करके पुलिस में थाना में रिपोर्ट लिखा दई। अब जब सबके चेक भय तब पता चलो कि बड़ी बहू के पास 2.5 किलो, मंजली के पास 3.5 किलो, हमारे पास सिर्फ 100 ग्राम, अब क्या करें महाराज, बे कह रही हमाओ, बे कह रही हमाओ, तो चलो बन्ना जी एक कलश धर देंगे, कलश धरने आना बहुत अच्छी बात है,
मैं दुनिया के तमाम लोगों से बोलता हूं कि बन्धा जी के अश्यकारी अजितनाथ जी, भगवान आपके जिंदगी में पहली बार में जो बदलाव करेंगे, आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे, स्वयं आश्चर्यचकित होंगे आप। देवताओं से सीधा संवाद कैसा होता है, कभी बन्धा जी ऐसे क्षेत्र पे आकर के पूर्णिमासी के दिन देखिएगा, अद्भुत संवाद होता है, अद्भुत, पूरी दुनिया उसकी प्रत्यक्षदर्शी बनती है। लेकिन यहां पर भी जिनको शंका होती है उनका कोई भला नहीं होता, निशंकित हृदय में होकर के कि हमको हमारे मुनि महाराज के ऊपर विश्वास है, हम जा रहे हैं और हम अपनी समृद्धि, अपने अभ्युदय के सारे कारण वहां से जोड़ करके वापिस चले आएंगे। जिसने 3 घंटे भी अजितनाथ भगवान के दरबार में निशंकित पने के साथ जी गया, अजितनाथ भगवान ने उसके दरवाजे पे बेहिसाब संपत्तियां दी हैं, बेहिसाब। हम रोज देखते हैं, हमारे पास रोज फोन्स आते हैं, रोज लेटर्स आते हैं, रोज संदेशे आते हैं और रोज लोग आते हैं। लोग बोलते हैं गुरुदेव अप्रैल में, गुरुदेव मई में, गुरुदेव जून में, गुरुदेव जुलाई में, अरे गुरुदेव अगस्त में, अरे गुरुदेव सोचा बस और हमारे काम सद गए। आप उन सारे महानुभावों की कभी अनुभव अपनी पूरी दुनिया में आसपास रहने पर पता करिएगा। मैं कितना निशंकित होकर के यहां से ढोल पीट करके कहता हूं कि अजितनाथ भगवान दुनिया में जो दे सकते हैं दुनिया में कोई दे नहीं सकता। कुंडलपुर के बड़े बाबा के बाद किसी प्रतिमा के अंदर सर्वाधिक शक्ति संपन्न है तो वह बन्धा जी के अश्यकारी श्री अजितनाथ जी भगवान, सर्वाधिक शक्ति संपन्न। लेकिन वो बात जो मैं कई बार कह चुका कि जिसे खुदा ने आंखें दी वो पत्थर में खुदा देखे, और जिसकी अकल में पत्थर है वो पत्थर में क्या देखे। शंका पता नहीं होता कि नहीं होता, मैं विश्वास दिलाने वाली बात, घड़ी छाप साबुन नहीं है क्या? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पहले विश्वास करें फिर हमारे बन्धा जी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करें, नहीं तो अपने घर में चुपचाप बैठे रहें। यहां वैसे भी जगह की कमी है, वैसे भी यहां पर आदमी के खड़े होने की जगह नहीं मिल रही है। संकालु हृदय का व्यक्ति अपने घर में चुपचाप YouTube चैनल पर ऑनलाइन देखे, कोई बुराई नहीं है। अश्रद्धालु व्यक्ति को यहां पर आश्चर्य दिखाई नहीं देता, श्रद्धालु व्यक्ति एक बार में अपना काम करके निकल जाता। अपने अंतर मन में जीवन में टटोलिएगा बंधुओं कि एक नाम अपने दिल पर रखिएगा इधर पर, क्या कि मैं कसम खाता हूं जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं इसके ऊपर शंका नहीं करूंगा। एक व्यक्ति के ऊपर देवशास्त्र गुरु तो बहुत ऊंची चीज है। आप अपने घर के अंदर घोषणा करिए, दीवार पे लिख दीजिएगा कि पापा को मम्मी पे पूरा विश्वास है। अच्छा मम्मी पे नहीं है तो लिख दो बच्चे पे विश्वास है, नहीं है तो लिख दो पापा को अपने आप पे पूरा विश्वास है। ये भी लिख दोगे तो बहुत बड़ी बात है, ना अपने आप पे विश्वास है, ना पत्नी पे, ना बच्चे पे, ना परिवार पे, ना नौकर चाकर पे, ना अपने जीवन पे। कितना शंकालु हृदय है हमारा। हम सम्यक दर्शन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शंका जिंदगी से छूटी कि नहीं सबसे पहले अपने अंतर मन से पूछ लीजिएगा महानुभावों, फिर जाकर के अपने सौंदर्य को विकसित करिएगा। श्रद्धा परम दुल्हा, ऐसा ही बीरसेन स्वामी ने नहीं कह दिया, उनके पीछे के कितने कारण थे बीरसेन स्वामी के बात को कहने के लिए कि परम दुर्लभ है श्रद्धा। आज होती है लेकिन बुढ़िया की लाठी के जैसी होती है, जरा सी ठोकर खाई नहीं कि दादी के हाथ से लाठी कब छूट जाए, और जरा सी जिंदगी में प्रतिकूलता आई नहीं कि हमारी हमारे मिलने वाले हर जानदार व्यक्ति के प्रति श्रद्धा खत्म हो जाए। कुत्ते को चाटते हो दिन भर उसके ऊपर भी शंका, अरे काट दिया तो अभी अटेंशन होकर के जीवन जीते हैं, प्यार तो कर रहे हैं लेकिन काटेगा तो तुरंत धक्का मार देंगे, तुरंत। डॉक्टर का फोन नंबर जिनके घरों में लिखा रहता है ना कुत्ते से सावधान, उनके घर के अंदर दीवार में ये नंबर भी लिखा रहता है कुत्ते काटने पर फलाने फलाने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि शंका है। फैमिली मेंबर जैसा है, गाय है, शंका है, हर चीज के ऊपर तुमने शंका में एक दो जिंदगी नहीं कई पर्याय नष्ट कर दी। इस बार पहली बार ऐसा समझ में आया होगा आपको कि हमें अपने अंतर मन में इस बात की घोषणा करनी होगी, किसी का जन्मदिन हो या किसी की पुण्यतिथि,
किसी के घर में बर्थडे पार्टी हो या किसी का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया हो, सबसे पहले घोषणा करो अपने हृदय में, मैं दुनिया में कसम खाता हूं कि एक व्यक्ति के ऊपर तो शंका बिल्कुल भी नहीं करूंगा। कोई एक व्यक्ति, जानदार आदमी ढूंढ के दिखाओ, फिर अपने सम्यक दृष्टि होने की घोषणा करो, फिर बड़ी बड़ी पुस्तकों के माध्यम से अपने भाव सुधारने की बात करो। संशय आत्मा विनश्यति, ये गीता का एक परम पवित्र सूत्र है कि जिसकी आत्मा में संशय के झूले में जो झूलता है उसका विनाश निश्चित है। शंका निशंकितपना कब तक महाराज? अरे एक दो दिन की बात नहीं होती, जीवन दांव में लगाना पड़ता है। पहले अभी तो तुम्हारा उस ऐसे कोई नया व्यक्ति चयन करो जिसको तुम नहीं जानते हो, उसके प्रति अपना श्रद्धा भाव पैदा करो और फिर अपने दिल की किताब पे लिखो, इसके ऊपर बिल्कुल भी शंका कभी नहीं करूंगा, ये जो बोलेगा सब मानूंगा। एक बार लिखो, जिस दिन वो तुम्हारी भावनाओं से विपरीत शब्द कहेगा ना, वो दिल की किताब पे लिखा हुआ पन्ना फाड़ करके कचड़े में फेंक दोगे। ऐसे लोगों को जीवन में सिद्धियां नहीं होती, ऐसे लोगों को जीवन में कोई भी अद्भुत शक्तियों का, डिवाइन सोल्स का कोई भी लाभ नहीं मिलता। बस ऐसे लोग उन लोगों का हाथ पकड़े रहते हैं, महाराज श्रद्धा तो आप बना के रखिएगा अपनी, हम तो अपना आपका हाथ पैर अंगूठा जो कहिए वो पकड़ के बैठे। किसी चीज पे आपकी आज तक एक जैसी श्रद्धा स्थापित ना हुई, जीवन उसका परिणाम है, पाना नहीं जीवन को बदलना है। साधना बंधुओं, हमने जीवन में बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया ना, एक बढ़िया समृद्ध माता पिता बन गए, अच्छे पढ़े लिखे लोग हो गए, हमने अच्छी गाड़ी वैभव सब इकट्ठा कर लिया, लेकिन पाना नहीं जीवन को बदलने का नाम साधना है। और बदलना क्या है? क्या घर छोड़ दे महाराज तुम्हारे कहने से? बिल्कुल नहीं, घर के अंदर रह करके घर के लोगों के ऊपर भी श्रद्धा और विश्वास जम गया तो मैं मानूंगा कि अगले 7-8 भाव में तुमको मुक्ति के रास्ते दिखाई दे जाएंगे। जहां ने 2-3 भाव गहनाने उकट्ठे न 7-8 भाव गहनाने, अधिकतम 7 या 8 भाव में, न्यूनतम 2 या 3 भाव में मुक्ति के द्वार तक आप अमृत का कुंड में नहाने के लिए पहुंच जाएंगे बंधु। लेकिन हमारे जीवन की पूरी जिंदगी हर श्वास ऊपर नीचे होती हुई शंका 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 करते हुए गुजर गई, लेकिन सम्यक दर्शन का पहला अंग था निशंकितपना, हम अपने परिवार पे, अपने देवशास गुरु पे कभी कर ना पाए। समयसार बहुत पढ़ा, शाकाचार भी पढ़ा, बड़ी बड़ी बातें भी करी, लेकिन हर चीज पे शंका निरंतर बनती रही। संसार इसका सबसे बेहतरीन परिणाम है। तुम दुनिया में हो इसलिए कि तुमने कभी निशंकित पने से जिंदगी नहीं जी। एक बार निशंकित पने से श्रद्धालु व्यक्ति बड़ा गजब का होता है, बड़ा गजब का, चुपचाप सिर ढांक के चादर ढांक के चुपचाप सो जाता है। मैंने कह दिया ना, मेरा गुरु है ना, मुझे अपने गुरु पे विश्वास है। ए तुम महाराज जी के कहने पे, तू निकल यहां से, मुझे मेरे गुरु पे विश्वास है ना। जिसको ने गुरु पे अंधश्रद्धा भक्ति रखी है, उस गुरु ने हमेशा अपने शिष्य का बहुमान बढ़ाया है, हमेशा बढ़ाया है। हमने रखी है तो हमारे गुरु ने हमारा बढ़ाया। आप हमें मारेंगे, आप हमें कूटेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम आपसे ना बहस करेंगे, ना कोई आर्गुमेंट्स करेंगे। हम आपके दरबार में कल भी आपके थे, आज भी आपके हैं, कल भी आपके रहेंगे। ये जब श्रद्धा इधर पैदा हुई, तब जाकर के अजितनाथ भगवान के चरणों में सेवा देने का मौका पूज गुरुवर ने हम जैसे अबोध लोगों को दिया। उनको भी श्रद्धा अंदर विश्वास जमा कि हाँ, पूरे विश्वास के साथ विनम सागर को भेज रहे हैं, वो अपना काम अच्छे से करेंगे। ये जब गुरुवर को हमारे ऊपर न होता और हम अपने गुरु से ना बने होते तो ये अजितनाथ स्वामी का वैभव का दुनिया खाक जान पाती। कृपा है, अजितनाथ भगवान की तो कृपा है ही, लेकिन उसके ऊपर भी गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की कृपा है कि उनके आशीर्वाद से ऐसी पवित्रतम संयोजना बनी कि दुनिया भर का आदमी आज अपनी श्रद्धा का एक पुंज लेकर के, कलश लेकर के अजितनाथ भगवान के दरबार पे आता है। इस सब के मूल अधिष्ठाता, सबसे बड़े प्रभावक तो पूज गुरुवर हैं कि जिन्होंने ऐसी संयोजना बनाने के लिए, करने के लिए प्रेरणा दी, आशीर्वाद दिया, समय दिया और कहे भी ये भी कह दिया कि विनम्र समय तो दिया तुम्हें चातुर्मास का, लेकिन कालो थोबो, समय थोड़ा है, उस थोड़े समय में तुम दुनिया को जो दे सको मेरा ऊपर से बहुत अच्छा आशीर्वाद है।
पूज गुरुवर की ऐसी महानतम कृपा और अपनी श्रद्धा को बना करके दो दिन बाद 30 अगस्त को हम यहाँ पर पुनः सर्व सिद्ध पूर्ण काम कलश को रखने के लिए जा रहे हैं। अभी तक मुझे बार बार ऐसा ही संदेश दिया जा रहा है दिव्य शक्तियों के माध्यम से कि अगली कलश की स्थापना सितंबर में तो नहीं होगी। अब अगर आपका तेज पुण्य रहा, आपकी भक्ति बहुत तेज रही और दैवी शक्तियों ने फिर पुनः मुझे प्रेरित किया, तो मैं आपको अगली कब पूर्णिमा में कलश रखा जाएगा ये संकेत निश्चित रूप से YouTube के माध्यम से दूंगा और आप उसको निरंतर सुनते हैं, ऐसा मैं आपको मानता भी हूँ। अपने धैर्य को, अपने विश्वास को आप बना के रखें। एक दिन 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे बंधुओं, कभी एक दिन प्रयोग करके देखिएगा। जीवन प्रयोग धर्मी है, हम हर चीज़ का प्रयोग करते हैं। एक दिन 24 घंटे अपने जीवन में प्रयोग करके दिखेगा कि आज सुबह सो कर के उठने से रात में सोते वक्त तक मैं मेरे जीवन में जिन भी लोगों का संपर्क होगा उनकी किसी बात पे शंका नहीं करूंगा। आपको लगेगा कि कितना कठिन होता है निशंकित पना जीना। फिर आपको ये सौंदर्य लगेगा कि वे दिगंबर साधु धन्य हैं जो पूरी जिंदगी निशंकित होकर के जी जाते हैं और अपनी नैया पार लगा करके भव समुद्र से पार ले जाने के लिए कारण बनते हैं। निश्चय सुख और अभ्युदय सुख दोनों प्रकार के सुख होते हैं और दोनों सुख के पीछे सबसे बड़ी शक्ति होती है निशंकित पने की। आप अपने जीवन में अपना पाएं, अपना सौंदर्य विकसित करें। इन्हीं शब्दों के साथ शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।